कॉमेडियन सुनील ग्रोवर अपने मस्खरे अंदाज से लोगों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं। सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो को छोड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने वीडियोस के जरिए अक्सर फैंस का एंटरटेनमेंट करते नजर आ जाते हैं। अब हाल ही में सुनील ग्रोवर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुनील सड़क पर भुट्टा भुनते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी बारिश के बीच सुनील ग्रोवर एक ठेले पर बैठे हैं और भुट्टे को भुनने के लिए तेज तेज पंखा चल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुनील ग्रोवर ने कैप्शन में लिखा, दूसरे मिशन की तलाश में। सुनील ग्रोवर के इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, धंधे में टिको कुछ दिन बड़े भैया तब चलेगा, रोज धंधा बदल रहे हो। तो वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, भैया जब पक जाए भुट्टा अच्छी तरह तो हमें भी बुला लियो। केवल इतना ही नहीं, सुनील ग्रोवर बारिश में सड़क पर छाता भी बेचते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर सड़क पर बैठे हैं और छाता बेच रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इतनी बारिश मेरा अपना छाता भी बिक गया। इससे पहले सुनील ग्रोवर ने सड़क किनारे रोटी बनाते हुए फोटो शेयर की थी, जिसमें सुनील रोटी बना रहे हैं। सुनील खुद से रोटी को बेल रहे हैं और उसके बाद तवे पर रोटी डालकर पका रहे हैं। फोटो शेयर कर सुनील ने फैन से पूछा, रोटी खाओगे? फोटो में उनके साथ एक औरत भी नजर आ रही है। सुनील ये सब अपने फैशन को एंटरटेन करने के लिए करते हैं। इससे पहले सुनील को सब्जी और दूध बेचते हुए भी देखा गया है। सुनील तरह तरह के काम करते नजर आ रहे हैं। सुनील ग्रोवर की इन फोटोज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। बात साल 2018 की है, जब सुनील ग्रोवर ने अचानक द कपिल शर्मा शो को छोड़ दिया। खबरें आई हैं कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच फ्लाइट में लड़ाई हो गई थी। कहा जाता है कि कपिल ने सुनील पर हाथ भी उठा दिया था, इसी वजह से उन्होंने शो को छोड़ दिया था। वहीं सुनील के फैंस चाहते हैं कि वो एक बार फिर कपिल के साथ नजर आए और अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन करें। हालांकि सुनील ने साफ साफ कह दिया है कि वो वापस नहीं आना चाहते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।